हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था 2018 के एग्जाम में। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। कंसिडर द अनसाइंड 8-बिट फिक्स्ड पॉइंट बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन बिलो, वेयर पोजीशन ऑफ द बाइनरी पॉइंट इज बिटवीन B3 एंड B2। अज्यूम B7 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सम ऑफ द डेसिमल नंबर्स लिस्टेड बिलो cannot be represented exactly in above representation। और आप देख सकते हो 4 decimal values given हैं। हमने बताना है कि इनमें से कौन सी exactly represent हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। चारों values मैंने board पे note की हैं। First value है 31.5। क्या 31.5 इस representation में save हो सकता है? सबसे पहले इस representation की बात करते हैं। यहां पे हम अनसाइंड 8-बिट फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब है कि ये रेडिक्स पॉइंट की पोजीशन फिक्स है। 5 बिट्स इस साइड होंगी, 3 बिट्स इस साइड होंगी। 8 बिट्स को हमने ऐसे डिवाइड किया है कि 5 बिट्स के बाद रेडिक्स पॉइंट होगा, दैट इज फिक्स्ड। ये पॉइंट फ्लोट नहीं कर सकता। जैसे फ्लोटिंग पॉइंट में आप इसे यहां पर लाके इंटू 2 raised to the power समथिंग लिख देते हो, वो यहां पे अलाउड नहीं है। यानी कि एक्सपोनेंट हम सेव ही नहीं कर रहे। ये फिक्स है कि इसकी पोजीशन यहीं पे होगी, दैट्स इट। हर नंबर इसी रिप्रेजेंटेशन में सेव होगा। तो आप 31.5 को क्या ऐसे सेव कर सकते हो एग्जैक्टली? देखो, जो आपका नंबर है उसके लिए 5 बिट्स अलॉटेड है और उस नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके लिए 3 बिट्स अलॉटेड है। 31 5 बिट्स में बड़ी आसानी से सेव हो सकता है। ऑल वंस, अगर B7, B6, B1, B4, B3 सारे 1 हो जाए तो ये जो नंबर है ये 31 होगा। देखो, इसकी वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4। तो 16 + 8 + 4 + 2 + 1, ये होगा 31। ओके, और 31.5 है। 0.5 आपको पता है डेसिमल में 0.1 होता है। 0.5 बेस 10 में इसे अगर कन्वर्ट करें बेस 2 में तो ये होगा 0.1। ओके, और 0.1 यानी कि एक ही बिट चाहिए पॉइंट के बाद, बट हमारे पास 3 बिट्स अवेलेबल हैं, तो ऐसे हम इसे सेव कर सकते हैं। बट हर बारी 8 बिट्स यूज जरूर होंगी, यानी कि इन दोनों जगह पे 0-0 सेव होगा। ओके, तो कंप्यूटर में हम ये नंबर सेव करेंगे, ये रेडिक्स पॉइंट का ही सेव नहीं होगा। इसकी पोजीशन का हमें ऑटोमेटिकली पता है कि ये नंबर, इसे फेच करो और अपने आप 5th बिट के बाद डेसिमल लगा दो। ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब हमने देखा ऑप्शन ए बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट हो गया। ऑप्शन बी की बात करते हैं, 0.875। तो 0.875 भी सेव किया जा सकता है, क्योंकि देखो 0 पॉइंट कुछ है तो 0 तो 1 बिट में भी सेव हो जाएगी और हमारे पास 0 सेव करने के लिए 5 बिट्स हैं, यानी कि ये सारी बिट्स तो 0 होंगी। ओके, अब 0.875 सेव करने के लिए 3 बिट्स हैं। क्या इन 3 बिट्स में 0.875 सेव हो सकता है? देखो, अगर पहली बिट 1 हो तो उसकी वैल्यू होती है 0.5, अभी हमने देखा। दूसरी बिट की वैल्यू होती है 0.5 का हाफ, यानी कि 0.25। तीसरी बिट की वैल्यू होती है 0.25 का भी हाफ, 0.125। अगर हम ये तीनों बिट्स ऑन कर दें तो हमारे नंबर में 0.5 है। ये बिट ऑन है, यानी कि ये वैल्यू है। दूसरी बिट कौन सी ऑन है? 0.25 वाली, यानी कि हमारे नंबर में 0.25 भी है, तो इसे ऐड कर दो। तीसरी बिट जो ऑन है उसकी वैल्यू है 0.125, तो ये भी है, इसे भी ऑन किया है, तो ये भी ऐड कर दो। ओके, अब ये नंबर बना क्या? 5, 7, 8, 8, 7, 5, और इन तीनों जीरोस को ऐड किया 0। मतलब कि इस वैल्यू को 3 बिट्स में एग्जैक्टली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, अब देखो बी पार्ट भी एग्जैक्टली 3 बिट्स में रिप्रेजेंट हो गया। सी पार्ट की बात करो, सी पार्ट है 12.1, तो ये रिप्रेजेंट हो गया था। अब हम ऑप्शन सी एनालाइज कर रहे हैं। 12 तो 4 बिट्स में भी सेव हो सकता है, 1100। तो 1 शुरू करो यहां से, 1100,
ये रहा डेसिमल या रेडिक्स पॉइंट, इस बिट में सेव करवा दो जीरो, ओके। और पॉइंट एक सेव हो सकता है तीन बिट्स में, पॉइंट एक नहीं हो सकता। पॉइंट एक इतनी छोटी वैल्यू है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में पॉइंट एक रिप्रेजेंट करने के लिए हमें काफी सारे डेसिमल प्लेसेस की जरूरत पड़ेगी। देखो पॉइंट एक को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसे दोबारा ऐड करो पॉइंट एक में, ओके, ये आ जाएगा पॉइंट टू और डेसिमल के पहले हमें मिला जीरो, यानी कि पहली बिट है जीरो। फिर से पॉइंट टू इसमें ऐड करो तो हमें मिलेगा पॉइंट फोर और डेसिमल के पहले अभी भी जीरो है, 0.4, यानी कि ये बिट भी जीरो होगी। फिर से इसे 0.4 से ऐड करो तो आपको मिलेगा 0.8, ओके, यानी कि ये बिट अभी भी जीरो ही है। फिर से इसे 0.8 में ऐड करो तो आपको 1.6 मिलेगा, ओके, ये बिट तो जीरो है, एक दो तीन, तीन जीरोस और अगली बिट 1 आएगी। देखो मैंने इसमें 0.8 और ऐड किया तो आएगा 1.6। अब ये बिट है फोर्थ बिट इस नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, अभी भी पूरा नहीं रिप्रेजेंट हुआ क्योंकि समथिंग 0.0 नहीं आया। तो अब इस 0.6 में अगर 0.6 दोबारा से ऐड कर दूं, ये आएगा 1.2, ओके, तो यहां पे 1 आ रहा है, ये देखो 1 है ना, ये 1 यहां पे आ गया। अभी भी नंबर अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हुआ क्योंकि डेसिमल के बाद 2 बचा है और 2 को ऐड करोगे फिर कुछ ऐसा ही मिलेगा, 2 में 2 ऐड हुआ 4 आ जाएगा, 4 में 4 ऐड हुआ 8 आ जाएगा, यानी कि यहां पे 0 0 कुछ होगा। तो इतनी बिट्स चाहिए 0.1 को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट हमारे पास सिर्फ 3 बिट्स हैं तो ये पूरा पार्ट डिस्कार्ड हो गया, ओके। अब देखो हमने रिप्रेजेंट करना था 12.1, जब हमने उसे सेव किया और दोबारा से रिट्रीव करेंगे हमें मिलेगा 12.0, यानी कि ये नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है बट एग्जैक्टली नहीं होगा, उन्होंने एग्जैक्टली पूछा था, ओके। सिमिलरली आप देख सकते हो 3.001 के लिए भी कुछ ऐसा ही होगा, 3 तो रिप्रेजेंट हो जाएगा, देखो 3 रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 2 बिट्स चाहिए, तो ये 2 बिट्स हैं 1 1 और बाकी सारा 0, यानी कि हमने 3 रिप्रेजेंट कर दिया, 3.001 कैसे होगा? 001 बहुत छोटा नंबर है, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में देखो 0.001, ये अगर डेसिमल में है तो इसकी बाइनरी होगी 0.00000, देयर विल बी अ लॉट ऑफ जीरोस। कैसे पता चला? देखो हमने डेसिमल वाला नंबर ऐड करना है तो 0.001 को 0.001 से ऐड किया, 0.002 मिल जाएगा तो पहली बिट जीरो आई। फिर इसे ऐड किया वो भी 0.something होगा, बड़ी दूर तक 0.something चलता रहेगा। जब भी यहां पे देखो इस बिट से जब कैरी आएगा वो यहीं पे अब्सॉर्ब हो जाएगा, ओके, फिर इस बिट से जब कैरी आएगा वो यहां पे अब्सॉर्ब हो जाएगा, जब इस बिट से कैरी आएगा तब वो यहां पे पहुंच पाएगा और बहुत दूर जाके बहुत सारी एडिशंस परफॉर्म करने के बाद एक 1 मिलेगा, यानी कि 3 बिट्स में श्योरली हम 0.001 नहीं सेव करवा पाएंगे, 3 बिट्स में जो भी सेव होगा वो 0 को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो 3.0 तो सेव हो सकता है, 3.001 सेव नहीं होगा, तो ये भी एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो उन्होंने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता एंड सो ऑन, देखते हैं उनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ 1 2 3 4 कैन बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड, ये तो गलत है क्योंकि 2 तो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ऑप्शन बी कह रहा है ओनली 2 कैन बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड, नहीं ओनली 2 तो नहीं है, 1 एंड 2 दोनों एग्जैक्टली हो रहे हैं। ऑप्शन सी है ओनली 3 एंड 4 कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड, ये सही है, सिर्फ ये दोनों एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे, सो आंसर है ऑप्शन सी, ओके।